कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन है। इस क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने यह जाना गद्य क्या है, हिंदी क्यों कही जाती है हमारी भाषा, और हिंदी भाषा का निर्माण किन 8 बोलियों से और 3 भाषाओं से मिल करके हुआ है, इतना पढ़ा। अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन हिंदी गद्य के जो प्राचीन 3 रूप हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कल कहा था कि 3 भाषाएं हैं जिनसे हिंदी, आज की जो हमारी हिंदी है, उसका निर्माण किया गया है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं तीनों भाषाएं, उपभाषाएं जो थी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा ये प्राचीन हिंदी का सबसे पहला रूप है। इसके अंतर्गत क्या क्या मिला है, ध्यान दीजिए। राजस्थानी गद्य की जो प्राप्ति हुई है, जहां से माना जाता है राजस्थानी गद्य शुरू कब हुआ था, ये 13वीं शताब्दी में, अर्थात सन 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य, ठीक है, अर्थात राजस्थानी भाषा जो थी इसी को, इस पूरे कार्यकाल को क्या कहते हैं, 13वीं शताब्दी, ठीक है। इसका आरंभ, राजस्थानी भाषा में गद्य लिखने का आरंभ 13वीं शताब्दी में माना जाता है। 13वीं शताब्दी में मिला क्या क्या है जिससे हम मानते हैं कि सबसे पुराना गद्य यही है, इसकी बात करें तो देखिए, राजस्थानी गद्य में मुनि जिन विजय द्वारा संपादित आराधना नामक इनकी एक रचना, मैं लिख देता हूँ इसको मिटा करके, देखिएगा ध्यान से, इसको आप लोगों को लिखना भी है, ठीक है। 13वीं शताब्दी में आरंभ लिखेंगे, ठीक है, राजस्थानी भाषा में गद्य का प्रयोग 13वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। अब इस काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये कौन है, एक लेखक लिख लीजिए, लेखक, ठीक है, और यहाँ इनकी रचना, 2-3 रचनाएं हैं जो आपको राजस्थानी गद्य की हमें मिली हैं 13वीं शताब्दी से, जो प्रमाण करती हैं कि राजस्थानी भाषा का गद्य 13वीं शताब्दी में लिखा जाता था। तो सबसे पहले नाम लेंगे मुनि जिन विजय का, मुनि जिन विजय, ठीक है, जिन विजय की रचनाएं क्या क्या हैं, आराधना, अतियार और बाल शिक्षा, तीनों लिख लेते हैं हम लोग। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो मानी गई है, जिस पर हम प्रमाण रख रहे हैं, वो है आराधना। इसके बाद अतियार और अंतिम है क्या, बाल शिक्षा, ये 3 जो इनकी रचनाएं हमको मिली हुई है गद्य में, ये 13वीं शताब्दी की लिखी हुई है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि राजस्थानी गद्य का आरंभ 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद और कौन है जिसने ऐसा लिखा है, कुछ अन्य जैन, देखिए जो जैन मत को मानते थे, जैन धर्म, वही लोग जिन कहलाते हैं, वो उर्दू वाला जिन नहीं, अलग ही वाला जिसको जिमी जिन्ना कहते थे, नहीं, यहाँ जिन जैन धर्म मानने वाले, तो है क्या कुछ अन्य गद्य भी लिखे गए जो गुजराती भाषा से मिश्रित थे, कुछ कुछ गुजरात की बोली से भी मिश्रित थे, इसीलिए उनको शुद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी काल में, ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे इसको, आप लोग नोट कर लेंगे उसके ठीक बाद, हम
लोग लिखेंगे किसी काम की, ठीक है, गुजराती मिश्रित दो रचनाएं मिली हुई हैं जिनके नाम हैं तत्व विचार और धनपाल कथा। तत्व विचार और क्या है दूसरी धनपाल कथा। ध्यान दीजिए इनके रचनाकार कौन है, यह किसी एक के बारे में नहीं कहा जा सकता, किसी एक लेखक का स्पष्ट रूप से नाम नहीं मिला है। यह जैन धर्म के मानने वालों द्वारा ही लिखी गई है, ऐसा माना जाता है कि जैन मतावलंबियों द्वारा ये दो रचनाएं एक तत्व विचार और दूसरी धनपाल कथा है जो गुजराती और राजस्थानी भाषाओं के मेल से बनाई गई है, दोनों भाषाओं के रूप मिलते हैं, इसको भी 13वीं शताब्दी में ही प्रमाण दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे कुछ चीजें हैं। चारण घाटों ने, चारण और घाट का मतलब जो राजाओं के दरबार में जाते थे उनकी वीरदावली गाया करते थे, राजाओं के यहाँ जो रहते थे उन्होंने धर्म नीति इतिहास छंद और तमाम विज्ञान संबंधी चीजों को भी अपने साहित्य में लिखा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये तो शुरुआत थी राजस्थानी गद्य की। परवर्ती भाग की बात करें, आप लोग अगर किताब से पढ़ रहे होंगे तो इन सारी बातों से संबंधित अच्छी जानकारी आपको किताब में मिलेगी। मेरी बातें मिलाते रहिए, किताब का सहारा जरूर लीजिएगा। देखिए कद परवर्ती राजस्थानी गद्य के विविध रूपों में चरित्र वचनिका कथा बात पत्र और वंशावली आदि में दृष्टिगत होते हैं, यानी कि जब किसी राजा के बारे में उसकी वंशावली का वर्णन किया गया हो, एक राजा का या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से पत्रों का आदान प्रदान हुआ हो, यदि कोई पत्र कहीं संग्रहित करके लिखे हुए हैं, कुछ कथाएं मिलती हैं, कुछ चरित्र मिले हुए हैं एक दूसरे के, कुछ संवाद लिखे गए हैं जो छोटे छोटे खंडों में मिल रहे हैं, वह राजस्थानी गद्य को प्रमाणित करते हैं। लेकिन 13वीं शताब्दी में राजस्थानी गद्य के आरंभ होने का सबसे प्रमुख प्रमाण क्या है, मुनि जिन विजय के द्वारा रचित आराधना नामक पुस्तक है जो यह प्रमाणित करती है कि राजस्थानी गद्य का आरंभ 13वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे मैथिली भाषा का गद्य। ठीक है, तीन भाषाओं की बात मैंने जो कही है, प्राचीन रूप जो हिंदी सारे कहते हैं वो तीन रूप हैं, पहला था राजस्थानी गद्य, दूसरा है आपका मैथिली गद्य। ठीक है, मैथिली गद्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, कालक्रम की दृष्टि से राजस्थानी के बाद मैथिली भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा का भी अस्तित्व सामने आया है। ठीक है, मैथिली भाषा का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, देखिए इसका सटीक एक सन मिल रहा है कि सन 1324 ईस्वी में, सन 1324 ईस्वी में एक रचना प्राप्त हुई है इस काल की जो है वर्ण रत्नाकर। आपने इसके बारे में 9, 10 और 11 में भी पढ़ा होगा, वर्ण रत्नाकर यह है रचना, अर्थात इस किताब का नाम क्या है, वर्ण रत्नाकर, और इसके लेखक कौन है, ज्योतिरीश्वर। ठीक है, ध्यान से नाम सुन लीजिए, ज्योतिरीश्वर इन्होंने लिखा है, लेखक इसके हैं ज्योतिरीश्वर, इन्होंने 1324 ईस्वी में लिखा। इससे हमें यह पता चलता है कि मैथिली का जो गद्य है यह 14वीं शताब्दी में आया था। मैथिली भाषा का गद्य अर्थात आप लिख सकते हैं कि अर्थात मैथिली गद्य का आरंभ
अर्थात मैथिली गद्य का आरंभ 14वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी में आपका राजस्थानी गद्य आरंभ हुआ। फिर 14वीं शताब्दी में अर्थात 1324 ईस्वी में प्राप्त वर्ण रत्नाकर नामक रचना से यह स्पष्ट होता है कि मैथिली भाषा का गद्य 14वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। ये तो था मैथिली को लगभग मैथिली में क्या था, जैसे आपने पढ़ा भी बताया मैंने कि राजस्थानी के कुछ साहित्य ऐसे भी मिले जिनमें गुजराती भाषा का प्रयोग है। ठीक है, ऐसे ही मैथिली भाषा में कुछ ब्रज भाषा का प्रयोग था। तो विद्वानों ने और भी खोज की, ब्रज की ओर चले। ब्रज भाषा की जब बात की जाए, शोध किया गया, तो पता चला उस काल में एक भाषा यह भी थी, अर्थात कि जो आपका हिंदी गद्य था, जो प्राचीन रूप है इसका, पहला रूप राजस्थानी गद्य, दूसरा रूप आपका मैथिली गद्य, तीसरा जो आपको मिलेगा वह ब्रज भाषा का गद्य होगा। उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग ये सारे नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि स्कूल खुलते ही फिर इसका नोट्स चेक किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। मैंने कल भी बताया था, अच्छे अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी मेरे द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे, विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। तो आप लोग अपनी ओर से तैयारी कंपटीशन लेवल की करते रहिए, हिंदी की हर सूक्ष्म जानकारी आपको यहाँ मैं दे रहा हूँ। फिर आते हैं हम ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा का गद्य, इसमें इसका विकास क्रम, इसका विस्तार सर्वाधिक राजस्थानी और मैथिली की अपेक्षा ब्रज भाषा का गद्य काफी विस्तृत मिला हुआ है। आपने कक्षा 11 में इसका अध्ययन भी किया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1345 ईस्वी में पता चला कि ब्रज भाषा का गद्य विकसित हो चुका है। ठीक है, इसका यह भी 14वीं शताब्दी में भी आरंभ हुआ। ठीक है, ब्रज भाषा गद्य का आरंभ 14वीं शताब्दी में हुआ था। अब इसका जो मुख्य एक लेख जो सामने मिला हमको, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ब्रज भाषा की कुछ रचनाएं 1350 ईस्वी में प्राप्त हुई, जो उस समय दो संप्रदाय हुआ करते थे, एक सिद्ध संप्रदाय, एक था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में आपके गोरखनाथ जी आते थे, आपने नाम सुना ही है गोरखनाथ। आज भी गोरक्षपीठ के जो पुजारी या महंत होते हैं वो नाथ संप्रदाय के, अपने नाम के साथ नाथ लगाते हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आदित्यनाथ, इनके जो गुरु थे, इनके पहले जो वहाँ के महंत थे, ठीक है, वो देखिए नाम मुझे अभी याद था, मैं तुरंत भूल गया। मत्स्येंद्रनाथ का भी नाम पुराने समय में आता, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। ठीक है, ऐसे तमाम मतलब नाथ ही नाथ होते चले गए हैं। फिलहाल नाम मुझे अभी जो ध्यान में नहीं आया, मैं बताऊँगा आप लोगों को, जल्दी ही उसको याद करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी उस समय नाथ और सिद्ध संप्रदाय जो थे, नाथ संप्रदाय हठ योग करता था। हठ योग क्या है कि बलपूर्वक कुछ ऐसा करने को बैठ जाते थे कि उससे उन्हें सिद्धियां प्राप्त हों, कोई भी कार्य हो वो जिद करके उसको पूरा करते थे, अड़े रहते थे अपने कार्य पर, और सिद्ध संप्रदाय वाले बस ईश्वर का भजन था। तो नाथ संप्रदाय के कुछ साहित्य मिलते हैं, जैसे आप नाम लिख सकते हैं गोरख गणेश गोष्ठी। ठीक है, इनकी प्राप्ति जो हुई है ये 1350 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में गोरख गणेश गोष्ठी ये किताब है जिसमें कुछ संवाद लिखे गए। तो
यह किताब मिली 1350 में। इसी तरह महादेव गोरखनाथ संवाद मिला और गोरखनाथ जी की 17 कलाएं नाम की एक पुस्तक भी प्राप्त हुई है। यह सभी उस नाथ संप्रदाय द्वारा लिखी है। फिर ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है कि ये रचनाएं बाद की हैं, 17वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई है। ठीक है, कुछ लोग 1513 ईस्वी की मानते हैं, लेकिन जो जिसको हिंदी गद्य साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है, जो ब्रजभाषा साहित्य से ही हमको प्राप्त होती है, वह क्या है? गोकुलनाथ जी द्वारा रचित श्रृंगार रस मंडन, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, गोकुलनाथ करेंगे गोस्वामी विट्ठल नाथ। तो ब्रजभाषा गद्य की जो रचनाएं हैं लिख लीजिए आप, एक और आप लिखेंगे लेखक, दूसरी ओर रचना। हिंदी गद्य की वैसे तो चंद छंद वर्णन की महिमा को मानते हैं, फिर भी ब्रजभाषा गद्य से ही हिंदी गद्य का आरंभ होता है, इसलिए हिंदी की जो पहली रचना है वह है श्रृंगार रस मंडन। लिख लीजिए श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, इसके लेखक जो है वो कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी इसलिए कहा जाता था कि गोसाई होते थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास या अपने कर्म से गोसाई बन जाते थे, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ का लिखा हुआ। आप जानते हो विट्ठलनाथ कौन थे? एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, कृष्ण भक्तों में इनका नाम आता है, कृष्ण भक्त कवियों में भी नाम लिया जाता है। ये हुए हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, इनकी रचना है। ठीक है, देखो उल्टा लिख दिया है मैंने, इसको आप थोड़ा सा फिर से पढ़ ध्यान दीजिए, ये चीजें पढ़ गई, रचना इधर कर लीजिए, ये आपके लेखक। ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसके बाद इनकी और भी दो रचनाएं हैं, एक है यमुनाष्टक, ये दूसरी रचना है। ठीक है, इन्हीं की गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की ही लिखी हुई है। तीसरी रचना है इनकी नवरत्न सटीक, लिख लेंगे आप लोग इसको भी, नवरत्न सटीक जो है ये भी विट्ठलनाथ की ही रचना है, आप लोग इसको भी लिख डालिए। ठीक है, इसको नोट कर लें, तो फिर हम आगे आपको अगला लिखवा देते हैं। ब्रजभाषा के गद्य में और कौन कौन सी रचनाएं मिली हैं, इस बात को याद रखिएगा। हिंदी गद्य साहित्य की जो प्रथम रचना मानी गई है वो यही श्रृंगार रस मंडन से ही अधिकांशतः विद्वान सहमत हुए हैं। कुछ लोगों ने अलग दूसरे को भी माना है, फिर भी ब्रजभाषा गद्य में ये सबसे पहले मानी गई। फिर दूसरे लेखक हैं चतुर्भुजदास, इनकी रचना क्या है? षड ऋतु वार्ता। ठीक है, षड ऋतु वार्ता अर्थात छह ऋतुओं का वर्णन। षड ऋतु वार्ता के लेखक जो हैं चतुर्भुजदास हैं, ये सूरदास जी के मित्र थे, अष्टछाप के ये भी कवि थे, आप नाम लिख सकते हैं। चतुर्भुजदास। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो गोकुलनाथ की लिखी हुई 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता है, ये भी ब्रजभाषा का साहित्य आप लोग लिख लीजिएगा। फिर गोस्वामी हरिराम द्वारा रचित कृष्णावतार, ध्यान से सुनिए, गोस्वामी हरिराम द्वारा रचित कृष्णावतार को भी और ब्रजभाषा का ही एक प्राचीन ग्रंथ माना गया है, और स्वामी हरिराम ने ही लिखा है सातों स्वरूप की भावना। इन रचनाओं को आप ले लीजिएगा, यानी कि गोकुलनाथ की जो है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, गोस्वामी हरिराम कृत कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, ध्यान से सुनिए, कृष्णावतार स्वरूप निर्णय और सातों स्वरूप की भावना,
इतनी रचनाएं आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास है थोड़ा सा, फिर हिंदी का खड़ी बोली का गद्य किस तरह से आरंभ होगा इसको हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन पढ़ेंगे। आज इतना ही, इसको पढ़िएगा अच्छी तरह से, याद कीजिएगा, कोई भी छूटने ना पाए कोई चीज, कहीं कुछ समस्या होगी तो आप उससे पूछ सकते हैं।